गाइस, डोंट फॉरगेट टू वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? तो आज मैं जा रहा हूँ न्यूयॉर्क सिटी और वहाँ पर एक स्पेशल इवेंट है। वो आगे आप लोग चलेंगे तो पता लगेगा, यहाँ आपने थंबनेल देख लिया रहेगा तो आपको पता लग गया रहेगा। तो यूजुअली तो मैं टाइम पे घर से निकल जाता हूँ, आज भी निकल गया था टाइम पे, बट आज क्या हो गया, मैं अपना मास्क लेना भूल गया। तो फटाफट मैं मास्क लेने के लिए गया, मास्क लिया CVS से, ट्रेन पकड़ी 2:40, मैं 4 बजे वहाँ पहुँच जाऊँगा और फिर वहाँ से अपना स्क्रीन बोर्ड लेके सीधा चला जाऊँगा पार्टी में। यहाँ पेन स्टेशन पहुँच गया हूँ। अच्छा स्केट बोर्ड लेके आया हूँ, गाड़ी लेके नहीं है, नहीं तो पार्किंग का बहुत दोचा हो जाता था। अभी सीधा स्केट बोर्ड स्टार्ट करूँगा और सीधा मैं आपको जहाँ पर जाना है वहाँ जाऊँगा। मेरे जो स्केट बोर्ड है ना, उसका भी अलग ही फील है। न्यूयॉर्क सिटी आओ और स्केटबोर्ड में घूमो, कोई टेंशन नहीं है। ये प्रॉब्लम है कि अकेला घूमना पड़ेगा। फाइनली अभी जाके ऐसा लग रहा है कि समर इज हियर और इट्स गोना बी लॉट ऑफ फन दिस समर। बहुत सारी जगह जाने का प्लान बनाया हुआ है, बहुत सारा ट्रैवल का प्लान बनाया हुआ है मैंने। बहुत ट्रैवल करेंगे, साथ में घूमेंगे फिरेंगे, इंजॉय करेंगे। और अभी कितना बज रहे हैं, 4:15 हो रहे हैं और अभी भी मस्त उजाला है। यार मैं सुबह से इधर उधर भटक रहा था और कुछ खाना नहीं खाया मैंने सुबह से। आज मैंने सिर्फ थोड़ा सा ब्रेकफास्ट किया था और यहाँ पर पहुँच गया और यहाँ पर कार्ट में थोड़ा सा एक हॉट डॉग चिकन खा लेता हूँ और फिर यहाँ से चलते हैं। यस एवरीथिंग। ओ यू नो व्हाट, आई डोंट नो, आई यू एक्सेप्ट कार्ड? ओ आई एम सॉरी, नो इट्स इन, व्हाट इज दैट, ATM 711, इज इट फार? ATM inside. So I'll eat and come or? No. You sure, right? I forgot my wallet at home. I bought my friend's card. यहाँ कहा तो रहा हूँ बट मैं मेरा वॉलेट घर में भूल गया और बिल्कुल मुझे ड्रॉप करने आया था तो उसने मुझे उसका कार्ड दिया, तो मैं ATM से पैसे निकाल के दे दूँ। मैंने यहाँ से पैसे निकाल लिए, उसका क्रेडिट कार्ड था, उसको उसका कोड पता नहीं था, तो कोड निकलवाया उससे और अभी जा रहा हूँ भाई साहब को पैसे देने के लिए और मैं अपना स्केटबोर्ड वहीं छोड़ के आया हूँ। ये फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पर न्यूयॉर्क सिटी में किसी पे भरोसा किया है। लेट्स सी। देयर यू गो माय मैन, आई गॉट इट। एक्चुअली भरोसा मैंने नहीं, भरोसा इस भाई साहब ने किया मुझ पे, क्योंकि मुझे खाना खा के मुझे बोला लेके जाने के लिए और अपना स्केटबोर्ड लेके भी जा सकता था और वहाँ से रफू चक्कर हो सकता था, बट थैंक यू। चलो फाइनली यहाँ पहुँच गए AMC। बस साहब कहाँ जाना है? Downstairs. मैंने बड़ा बोर्ड यहाँ पर रख दिया है और हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं AMC। ये आपकी अमानत। कितने टाइम के बाद दे रहा हूँ? One month. Wow. देखो अभी ये ईशा ही समझाएगी परफेक्ट तरीके से कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। We are having a premiere party today. For season 4 of Nasrana Diaries. अब आपको पता लग गया कि क्यों हम लोग यहाँ, क्यों मैं यहाँ पर आया हूँ। Hi Rohan, this is Neeta Bhasin and I always watch your vlogs and I follow them and think you are doing a fantastic work. And please do follow me also. I have a Neeta Bhasin show YouTube channel also and I'm trying to follow Rohan's footsteps. South Asian bridal boutique in the country.
लोग को पता ही है कि मैं इंस्टाग्राम पे कितना एक्टिव रहता हूँ और कहता हूँ यूट्यूब में मेरा आप लोग को पता ही है. सो यहाँ पर मुझे मिली है तो यहाँ पर मैं इनसे जकारिया सिस्टर्स मिला. एक बहन भाग गई है और दो बहनें यहाँ पर हैं और अभी ये अभी हमारी बात हो रही है कि दैट एक कोलैबोरेशन का नॉट अ कोलैबोरेशन मैंने उनको बोला कि आई वुड लाइक टू शूट यू गाइस. सो व्हाट डू यू गाइस थिंक? That sounds amazing. We're really looking forward to Absolutely. it. Absolutely. You have really wonderful dance moves, so we would love to dance with you and, you know, spread that joy through dancing together. I appreciate that, but I think you guys are awesome. Thank you so much. Thank you. बहुत टाइम के बाद मतलब ऐसी एक ग्लैमरस पार्टी मैंने अटेंड की है. थैंक यू शशांक फॉर हैविंग मी हियर एंड बहुत मज़ा आया. आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना. बहुत सारे अच्छे अच्छे क्रिएटर्स यहाँ पर आए हुए थे, इंस्टाग्रामर्स, यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स. टॉक मुझे पता है इंडिया में बंद हो गया लेकिन यहाँ पर अभी भी अमेरिका में चालू है. सो व्हाट डू यू से टू ऑल द पीपल हु आर मेकिंग इंस्टाग्राम रील्स एंड टिकटॉक? How do they get wild and stuff? What do you guys think? How did you guys manage to get where you are? I mean, honestly, it was because we had each other that made us push and like continue to post videos. We were motivated by each other. But even if you're doing it alone, I think you can find that motivation somewhere else, like the inspiration behind the art you're creating or the dancing that you're creating and choreographing. So I think it really just comes from finding some sort of inspiration and motivation. What do you think? Consistency or the quality? What matters? I don't know. I think you obviously want to produce the best quality content all the time, but it does matter about posting that quality content consistently, if that makes sense. So if you don't feel confident in something, I wouldn't recommend posting that. But if you feel confident and you feel like that's the best you could have done, then go for it and keep doing it. Like keep doing it over and over, and I think that's what's going to work for you. That's what's going to look most genuine on your page. So that's what I would recommend. Now this video is turning out to be how to become a successful Instagram. So it's not about that, but it's always a pleasure to share. Thank you so much. Yeah, of course. Thank you. It was a lot of fun meeting all these creators. You know, aap kuch seekho aur aap kuch sikhao. Sharing is the best thing that you can do. So finally, show pura khatam ho gaya aur main abhi Shashank ke saath hoon. Shashank, it was wonderful. Thank you. Thank you so much. So you were talking something about soil. I overheard you. Yes. So please. Yeah. So I wanted to tell everybody, but I mujhe bhi exactly pata nahi. So if you like to explain. Yes. So what's happening with soil globally, right? हम लोग जैसे हैं, वी आर एसेंशली एज स्ट्रॉन्ग एज आ सॉइल इज. जितनी मिट्टी ताकतवर होगी उतनी ताकत हम लोग में आए. बराबर. अब सब लोग सप्लीमेंट्स खा रहे हैं, विटामिन डी के, B12 के, ये सब इसलिए हो रहा है बिकॉज मिट्टी इतनी कमज़ोर हो गई है. और अगर ये ऐसे ही चलता गया 15 और साल, तो फिर ये 150 साल तक रिवर्सिबल नहीं होगा. और अगर ये नहीं हुआ तो इन द नेक्स्ट 40 ईयर्स, जो हज़ारों साल लगे किसी सिविलाइजेशन को बनने में, इट्स गोइंग टू क्रम्बल लाइक दिस. बिकॉज यू एक्सपेक्ट a billion people who don't have food, what do you expect them to do? Just jahan pe hain wahan pe rahe, ki wo bahar wahan se nikle nahi. They don't go for better opportunities, so migration will happen at a massive scale and it'll be really detrimental to everyone. Okay, so link in description agar kisi ko ye movement join karni hai to please come ahead. The movement is not against anybody, it is not against the government. It's ye movement is fertilizer company ke against nahi hai, it's with earth. किसी के अगेंस्ट नहीं है ये मूवमेंट. और इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, गवर्नमेंट्स 4-4, 5-5 साल के रहती हैं, उनके पास इंसेंटिव नहीं होता ये काम करने का जिसका रिजल्ट 15-20 साल में मिले. तो जब तक हम नहीं मांगेंगे कि ये चेंजेस हों, तब तक हमारी गवर्नमेंट इस पर ध्यान नहीं देगी. तो ऑल वे आस्किंग इज बस आप इसके बारे में आवाज़ उठाइए, आप बताइए लोगों को और उनको जागरूक कीजिए और इस मूवमेंट के साथ अपना हाथ लगाइए. स्केटबोर्ड ट्राई कर रहा है शशांक मेरा. आगे की तरफ झुको, आगे की तरफ झुको एंड उसको उससे पुश करना. नहीं नहीं, टर्न कैसे करना? टर्न तो पैर से करना पड़ेगा ना, टर्न तो वेट से करना पड़ेगा ना खुद के. ओ यू डोंट, ये नो, आई हैव नेवर डन इट बट आई कैन डू इट. या इफ यू कैन डू दिस यू कैन स्नोबोर्ड फॉर श्योर. स्लो चला शशांक, he's good at it. Kya baat hai, I think snowboard karta hai. So you're goofy? Yeah, I'm goofy. No, you're not goofy. No, you're regular. You're not goofy, regular. No, I am goofy. It's my left foot forward. Haan, toh ye regular hai. Right is goofy. Right is goofy. Yeah. It's the same thing for like surfing, right? Haan, same. Yeah.
तो हम लोग का वहाँ पर खत्म हुआ प्रोग्राम और हम लोग यहाँ पर आगे पार्टी करने के लिए, और यहाँ पर ये लड़की है जो मुझे लग रहा है कब से अमेरिकन है, और उसका नाम क्या है पता आप लोगों को? क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। अब जाके मुझे पता लगा इनका नाम लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी जी आपको मिलके बहुत अच्छा। फाइनली सब कुछ यहाँ से खत्म करके निकल चुका हूँ मैं पेन स्टेशन की तरफ, और यहाँ से कुछ 12 मिनट लगेंगे मुझे जाने के लिए। और पेन स्टेशन जाता हूँ, ट्रेन लेता हूँ, 11 बजे की मेरी ट्रेन है। अगर मैं लेट हो गया तो फिर सीधा मैं लेट पहुँचूँगा, तो सॉरी, थैंक यू, ओके। लेट नहीं होना चाहता इसलिए मैं फटाफट निकल गया हूँ पार्टी से ख़त्म करके, एंड अभी घर जाते हैं। आपको सीधा मैं घर पर ही मिलूँगा या फिर ट्रेन में मिलूँगा। बारिश हो रही थी बीच में, अच्छा हुआ ज़्यादा जोर से नहीं हुई, जोर से होती तो मैं लेट हो जाता था, कहीं रुकना पड़ जाता था, बट लकीली इतनी ज़्यादा नहीं हो रही थी, फिर मैं पहुँच गया और जरा लेट अपना अपना साथी, और अभी घर पे जाते हैं। घर पे विपुल का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है तो वहाँ पर जाके उसके साथ थोड़ा खाना पीना खाएंगे एंड